हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आज की सुबह के समय में। और हमारी गाड़ी इधर है और आज हम लोग जा रहे हैं ताती कुड़ू नर्सरी, जो कि वहाँ से छोटे छोटे कुछ पौधे लाने हैं और खेतों पे लगाने हैं, जो कि अभी आम, अमरूद और लीची है। उसके बाद चलते हैं अभी गाड़ी को। और आदित्य हाईटेक नर्सरी ताती कुड़ू। अरे गाड़ी को ताक पटने लगे, पटोने लगे, पटो करने लगे, पटो देख ले। वाह, के कर कर गाड़ी ढेर लागल हो। हम लोग पहुंच चुके हैं और आदित्य हाईटेक नर्सरी। हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गए अभी हम लोग नर्सरी। हमारा गाड़ी आ चुका है और अभी हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं नर्सरी में। चालू ये रहे आम के पौधे। कहाँ दिखो ना आम पौधा। पूरा बोला बड़ा अलग ना पूरा बना। हाँ, सब बाद में देख लिया। अभी हम लोग इस नर्सरी में हैं कुड़ू ताती। पता ही में पूरा काला पर सबसे ज्यादा है। खोजना तो बड़ी मुश्किल है। कहाँ पौधा उठा रहा है? कहाँ किधर है? एकदम नीचे है। इतना जल्दी गाड़ी लगा दिया आपका गाड़ी? तो आप कहाँ है? यही है ना अंदर में। तो क्या करे, गाड़ी की भी मंगवा लेती है। गाड़ी के बोल, गाड़ी की शर्ट लाने की, गाड़ी का मंगाना बड़ी इच्छा है। तो बहुत बड़ा एरिया में है नर्सरी। अमरुद खाना है कहाँ पर? वो दूसरा है, आई डे सेट आने। हाँ मैं खा नहीं। अभी हम लोग बगान में हैं और नर्सरी में हैं। नर्सरी में आने के बाद हम लोग अभी अमरुद खाने वाले हैं। अभी यहाँ पे खड़ा ना टी शर्ट तो हम बहुत बड़े बड़े आम, बहुत बड़े बड़े। नहीं चल तो ये ले।
इसमें गीला खा दी यार, नहीं गीला नहीं साइड तो ठीक, थोड़ा टाइट था, तुम ठीक हो, चलो आप कहीं का नहीं नहीं, नहीं। बस दो काफ़ी है गाड़ी के लिए हैं, पूछे पड़ते पहले नहीं की क्या बस्ती है, जोकी वाला जोकी देखिए यहाँ आप लाभुक में है, देखते रहिए ना यहाँ वैसे उठाएंगे, नहीं वहाँ चले अरपाली है, अरपाली ले जाना है, इतना बड़ा बड़ा जब का कीजिएगा उधर भी हमारे पाली है, चलो ना है हम पाली पाना है, तो उनको लिख देगा कलम करके बनाया है, इसलिए लिखा है वहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह गाड़ी तो इधर से आएगी, इधर से लग रहा है, इधर से इधर से गाड़ी आ जाएगी, इधर से नीचे भी लोड हो रहा है, हम भी कांदा भाषा में यहाँ पोस्टर नहीं खाली ऐसे कौन आम है पता चलेगा, साटा रहता है, चार प्रकार का आम है, हम के मैनेजर यहाँ भेजिए इधर गया है हमारी तो फोन कर दे रहा है, बोल रहा है यहाँ काम से बंगाल काम है, हाईवे रोड है, बम्बई ग्रीन, बम्बई ग्रीन है, बम्बई ग्रीन फोर नंबर बम्बई ग्रीन, हाँ भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पूरा पूरा गाड़ी में लोड हो गया है, 52 संदीप महतो मन किस तरह से ही लोड करना है ना, हम तो सोच रहे थे कि लोड नहीं होगा हम लोग का, कौन सा अमरपाली है, इधर अमरपाली इधर यहाँ पे जो अभी वहाँ पे खड़ा है, चलिए नया जा लोड हो सर, ट्रैक्टर में उनके लोड कराना है, ट्रैक्टर से लोड हो रहा है भाई, बिड़ाने में जाएंगे हो हम, इधर चल जाएंगे ना, अच्छा उधर भी, उधर भी और भी है उधर का, उधर दूर उधर है, इधर जाना रोड़ा से आते हैं घूम घुमा के जाइए पूरा, तो कहीं आएंगे इधर कितना दूर, उधर सब्जी भी है भाई, सब्जी भी लगा हुआ यार, देखते हैं अभी क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ तो लग रहा बहुत कुछ है इधर, क्या भाई ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये भी लगा हुआ है ड्रैगन फ्रूट, इधर यहाँ पे लगा हुआ है ड्रैगन फ्रूट जो कि इसकी देखभाल खेती बाड़ी अच्छे से नहीं की जा रही है ड्रैगन फ्रूट की, इसकी वजह से थोड़ी सी चरमरा आ गई है ये तो। नींबू है ना, मताए बहने नींबू का पौधा लेके जा रहे हैं। इधर भी सारे तरफ बहुत बड़ी जगह पे यहाँ पे है पता नहीं किधर किधर हम घूम रहे हैं। इधर हम तेज पत्ता, यहाँ सारे तरफ तेज पत्ता ही हुए और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो कि तेज पत्ता पे कलम किया गया था वो सूख गई है और यहाँ पे भी एक किया गया था वो भी सूख गई है, मैंने कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसे कलम करने की कोशिश की गई थी पर सफलतापूर्वक कलम नहीं हुई क्योंकि बारिश के मौसम में होती क्या है, कलम करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो कलम करने के बाद अगर उसमें पौधा पे मिट्टी डालते हैं कटिंग करके तो होता है क्या कि उसमें बारिश का पानी होता है कि घुस जाता है अंदर, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से बनाना चाहिए कि उस तरह उसे अच्छी तरह से लपेट लेना चाहिए जिससे पानी ना घुसे। इसी कारण से बहुत सारे कलम किया हुआ खराब हो जाती है, उसे ध्यान देने की जरूरत है। मिट्टी लेके जा रहे हैं अभी और कुछ बुट्टी बनता है पेड़ का बुट्टी और वो जो पौधे पे जो कलम करते हैं उसके लिए मिट्टी जो बांधा हुआ है वहाँ पर भी था जहाँ पर था है ना, जड़ आया हुआ है। चलिए देखते हैं अभी इनके साथ अभी करते हैं कैसे कलम का पेड़ को जो पौधे का जो कलम होता है वो पौधा को कलम करने के लिए कुछ मिट्टी का मसाला बनाया जाता है, पहले पेस्ट बनाया जाता है उसके बाद उसको कटिंग करने के बाद उसको काट के उसे मिट्टी डाल के कुछ किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं अभी ये कलम। हाँ ये कलम है, ये कब का किया हुआ है? ये हमको लगता है 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए, इसमें तो अभी जड़ नहीं आया होगा। अभी जड़ नहीं आया, जड़ नहीं आया से कम 40-45 दिन लगेगा। उसके बाद इसको कटिंग कर दिया जाएगा, उसके बाद ये कटिंग होकर ये बैग में चला जाएगा, पॉलीथिन छोटे छोटे पॉलीथिन में डाला जाएगा। उसके बाद बैग में कम से कम 20 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा यहाँ से सेलिंग होगा, उसके बाद सेलिंग होगा। अभी आप लोग अभी फिर से वही कलम करने बांधने जा रहे हैं अभी कटिंग। चलिए दिखाइए किस तरह से करते हैं आप लोग कलम। क्योंकि हमने भी 2-4 पौधों पे कलम की और सक्सेसफुल हुई और कुछ कुछ अनसक्सेसफुल हुई, पहले देखते हैं नर्सरी में किस तरह से की जाती है। अभी प्लास्टिक लेकर आ रहे हैं इनको लपेटने के लिए, उसके बाद यहाँ पे पौधे पे कटिंग करके की जाएगी। यहाँ पे लंगड़ा है, अमरपाली है, ये वाले
दशहरी है, लंगड़ा है, मालदा भी है, मान की सब मिक्स रखा हुआ, सब मिक्स रखा हुआ है। अच्छा, इसको हम पहचानेंगे इस तरह से इसको, लंगड़ा कौन है, मालदा कौन है, ये लंबा पत्ता दिख रहा है ना, लंबा पत्ता अम्रपाली है, अम्रपाली है, और ये छोटा पौधा स्ट्रोंग है, वो लंगड़ा है, ये आपका है लंगड़ा है, ये लंगड़ा है। और मालदा कौन सा है, मालदा ये सब है, मालदा, मालदा का पत्ता थोड़ा टेढ़ा होता है, बड़ा छोटा पत्ता अंतर होता है, जिसे हाँ। पत्ता का जो क्वालिटी देखिए, हिमसागर भी है, हिमसागर का वो हुआ, हाँ डब्बा उब्बा आ गया है अभी, और इसके बाद अभी यहाँ पे प्लास्टिक व्लास्टिक निकाल रहे हैं अभी, इसके बाद होगा ला रहे हैं। कुछ मसाला वसाला रखे हैं अभी इधर, कुछ कुछ रखे हैं, लेके आ रहे हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। चल इधर चलते हैं, चंदन का, अच्छा चंदन का भी पौधा मिलता होगा ना यहाँ, हाँ हाँ मिट्टी डाल रहे थे, वहाँ पर मिट्टी में, वहाँ पर जाने से आपको दिखेगा ना, इसका रिजल्ट आ चुका है, दिखा दीजिए, कटिंग कीजिए, इसका रिजल्ट है ना उसमें आ चुका है, वहाँ पर काफी काफी जड़ भी आ चुका है, एक महीना तो नहीं, लगभग लगभग पहले कटिंग कर चुके क्या, हाँ डाली कटिंग कर चुके हैं, एक इंच का है ना इस टाइप से, ये मैंने कटिंग करके छोड़ना है पहले, हाँ पहले छोड़ते हैं, कई दिन पहले छोड़ना पड़ता है, कम से कम 8 से 10 दिन पहले छोड़ना पड़ता है, 8 से 10 दिन पहले कटिंग करके छोड़ते हैं, रेगुलर भी जैसे रेगुलर, जैसे आज भी कटिंग करके आज भी बांध, आज बांध सकते हैं, तो उसमें भी आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, और आप छोड़ सकते हैं, छोड़ने से और अच्छा होता है, ठीक है, बांध ही लपेटिए, जो पौधा है ना ये अगले साल तैयार होगा, अगले साल तैयार हो जाएगा, माने कि कटिंग कुछ दिन, माने कि एक महीना में कटिंग करके, हाँ, कटिंग कर साइड कर दीजिए, उसके बाद जड़ आएगा अच्छी तरह से, इसमें मैक्सिमम 45 रोज, 45 लेकर 50 रोज इस तरह से बांधा जाता है, बूटी उसको बोलते हैं, बुट्टी, ये बुट्टी, ये जो बुट्टी बनाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं, इसमें रोटेक्स पाउडर आता है, पाउडर और ये नगड़ा माटी, यहाँ का मिट्टी नहीं है, कलकत्ता का मिट्टी, कलकत्ता की मिट्टी है, जो नगड़ा मिट्टी में बनाएगा, नगड़ा मिट्टी में चिकनाहट, जितना चिकनाहट होना चाहिए, लाल भी मिट्टी रहेगा, चिकनाहट होना चाहिए, तालाब का मिट्टी हो कहीं का, जो इसमें सड़ा हुआ हो, सड़ा मिट्टी, रेत का मात्रा कम हो, कम कम हो, चिकनाहट मिट्टी, इसमें रेत नहीं है, इसमें ठीक है, और ये पौधा जो है कि ग्राफ्टिंग किया हुआ है, कटिंग करके ग्राफ्टिंग किया हुआ है, ये देखिए कटिंग करके, ये अलग डाली है, ये अलग डाली, अलग डाली है, ये आपका बिजू आम है, हाँ, और ये कलम का आम, कलम का आम है, इस पेड़ से,
इस पेड़ से कटिंग करके आम का पेड़ जो होता है ना वहाँ से कटिंग करके मन की जिस पेड़ पे ज्यादा मन की ज्यादा अच्छा फलता है उस पेड़ का कटिंग करके डाला जाता है इसमें। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से फिर से। ठीक है अंकल, ठीक है चलते हैं अभी दूसरी तरफ। इधर से भी रास्ता है क्या? नहीं, इधर से रास्ता, इधर से ही जाना पड़ेगा। इधर से रास्ता है लेकिन आपको लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा जाना पड़ेगा। यहाँ भी परेशानी है, अंदर भी है। इधर से जाना, इधर से ही ग्रीन हाउस में भी चलते हैं अभी। तो आपको पैर का मोजा सुखा है? ओह अच्छा, मान लेते हैं। सब्जी उब्जी नहीं गए उधर? जो लग रहा है ढेर दूर है उधर। बहुत दूर है, बहुत दूर है, कहा नहीं गए हम। थक उ जाते नहीं गए उधर? हाँ हाँ हाँ, पसीना आना चाहिए घूमने में। अभी चल रहे हैं, गाड़ी पे लोड हो गई है, अभी हमारा गाड़ी पे लोड करना है क्योंकि भैया उधर है। अभी एक राउंड जाना पड़ेगा भी मेरे को, तो रास्ता शॉर्टकट करके जाना पड़ेगा मेरे को भी। इधर से पेड़ पौधे अभी उठाए, इधर से उठाया जा रहा है अभी। अभी कौन सा पौधा उठा रहा है? अभी नहीं दिखाए। एक ग्रीन हाउस, यहाँ छोटे छोटे तेज पत्ते हैं। नींबू के छोटे छोटे पौधे हैं, नींबू के। और लीची के भी है। जरबेरा, बहुत बड़े पेड़ हैं। अच्छा, लीची का बड़ा पौधा किधर है? हाँ, ग्रीन हाउस के उधर है।
हाँ हाँ ये वाला देखे थे ये वाला यहाँ सामने वाला में हाँ जड़ आ गया है इसमें हाँ जड़ आ गया है हम पता हम भी किए थे ना घर में हाँ जड़ आ गया है इसमें तो काफी है ना बहुत आ सब में आ गया है जड़ बड़ा बड़ा जड़ आ गया है। अच्छा इसको सही करने का मन की काट के छोड़ दिए है ना पहले थोड़े से पहले देखिए अब रेगुलर भी काट सकते हैं छोड़ता है और करके छोड़ सकते हैं तो अभी इसको इशू कैसे किए थे इसको बताएं इसको इसको लगभग तुरंत किए थे हाँ और इसको लेट से भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेट से भी करते कोई दिक्कत नहीं कल के हम पहले काटे थे और तुरंत ही मिट्टी डाल दिए थे खराब हो गया था मेरा पौधा ये तो बात ऐसे है ना उसमें रोटेक्स डाले थे रोटेक्स पौधा है डब्बा है भरा लीला चलिए हेलो फ्रेंड्स क्या है ना कि अभी हमारा गाड़ी पे आम छोटे छोटे पौधे अभी लोड हो रहे हैं बहुत सारे गाड़ी में लोड हो चुके हैं और गाड़ी में लोड हो बहुत सारे हुए और अभी तक हो ही रहे हैं इस तरह से लोड हो रहा है गाड़ी पे आ रही है लोड होने के लिए पेड़ निकाल रहे हैं ले के आ रहे हैं बहुत सारी गाड़ी में लोड हो गई है अभी मेरी गाड़ी अभी जा रही है लोड हो चुकी और हाँ अभी लोड हो चुका है तो उसके बाद अभी निकलना है अभी और छोटे छोटे पौधे और भी लेना है आम लीची अमरूद और कटहल के पांच पांच लेने हैं अभी जो कि गाड़ी अभी पीछे तरफ अभी इधर से निकल जा रही है उसके बाद इधर से निकल के घूम की साइड से आएगी रोड से उसके बाद और भी पौधे डाला जाएगा दो गमला दो पीस लोड हो रही है चलिए उड़वा बहुत जल्दी हो गया हाँ वीडियो बना दे रहे थोड़ा फिर मिलते हैं खेत में ठीक है तब तक के लिए बाय कंप्लीट हो गया हम लोग का ये रहा हम लोग का आम लोड हो चुकी और निकल पौधे खेत